सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को ऐसा चैप्टर कराने वाला हूँ जिससे सन 2020 में आने की संभावना दो क्वेश्चंस की, राइट? ये सन 2020 में इससे दो क्वेश्चंस की है, क्योंकि अगर 17 का देखा जाए, सन 2017 में दो क्वेश्चंस आए थे, सन 2018 में एक क्वेश्चन आया था, और सन 2019 में दो क्वेश्चंस आए थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि सन 2020 में आपको जो है दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? तो गाइज, इस चैप्टर का नाम है आपको जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और स्ट्रेटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है? ये क्लास 12th का चैप्टर है। तो गाइज, इससे टोटल इसमें जो MCQs है वो 73 MCQs है। और गाइज, आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर आपको वीडियोस मिल जाए, क्योंकि जो जब मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन वगैरह बेल आइकन आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के पास पहुँच जाए, राइट? और मैं इसमें सिर्फ दो क्वेश्चंस ऐसे रखा हूँ जो कि आप लोग मुझे बताओगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। दो क्वेश्चंस, राइट? बहुत ईजी है, आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताओगे, राइट? तो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन करता है, फसल वृद्धि कार्यक्रम में अगणित महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि, ऑप्शन इसका डी राइट है, पूर्ण समयुग्मनजी बनाते हैं, राइट? अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, उत्परिवर्तन के अध्ययन के लिए अगुणित पौधे द्विगुणित पौधों की अपेक्षा अधिक प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि अगुणितों में क्या होता है, अप्रभावी उत्परिवर्तन तुरंत प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। थर्ड थर्ड पे आते हैं। थर्ड कहता है कि हमारे अधिकांश फसली पौधे होते हैं तो क्या होते हैं, वो उत्पत्ति के स्वबहुगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ कहता है रेशम कीट का रेशम उत्पाद होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, लार्वा की लसिका ग्रंथि का, ऑप्शन सी। पांचवे पे आते हैं। पांचवे कहता है कि रोटिनन है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है, प्राकृतिक कीटनाशक होता है रोटिनन, राइट। सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स कहता है कि कीटों के जैविक नियंत्रण में सबसे बड़ी समस्या है, तो सबसे बड़ी समस्या, कीट भक्षी अक्सर किसी दूसरे भोजन को वरीयता देने लगते हैं, फलस्वरूप वह स्वयं खरपतवार बन जाते हैं, ऑप्शन इसका डी राइट है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। सेवन कहता है निम्न में से कौन विदेशी भारतीय मछली है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, साइप्रिनस कार्पियो है, ऑप्शन सी। एट्थ पे आते हैं। एट कहता है कि जैविक तथा कारिक लक्षणों का प्रयोग किसके सॉरी करके जैविक तथा कारिक लक्षणों का प्रयोग करके जीव की जनन क्षमता को कम करना कहलाता है, तो ऑप्शन सी राइट है, जैविक नियंत्रण, ऑप्शन सी। नाइन्थ कहता है कि मानव सभ्यता के दीर्घ अवधि हित निम्न में से किस विस्तृत पैमाने पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन इसका डी राइट है, मानव रोगों का नियंत्रण करना, ऑप्शन डी राइट। तो गाइज, पिछली वीडियोस जो थी ना उसमें मैंने कुछ ज़्यादा फास्ट बोल दिया था, तो नीचे कमेंट में आ रहे थे कि सर थोड़ा स्लो वीडियो बनाया करो, इसकी वजह से मैं स्लो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को फास्ट देखना है तो 1.25 पे आप लोग नॉर्मल से कर सकते हो, अगर आप लोगों को स्लो लग रहा है तो। चलिए दसवें पे आते हैं। दसवें कहता है दूध के पाश्चुरीकरण के लिए इसमें गर्म किया जाता है, मतलब इसे गर्म किया जाता है, तो वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट के लिए किया जाता है, ऑप्शन इसका सी राइट है। ग्यारहवें पे आते हैं। ग्यारहवें कहता है आदि जानवर जिसे मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया था, ऑप्शन इसका सी राइट है, कुत्ता, कुत्ता को पालतू बनाया गया था, राइट। सॉरी। 12th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th कहता है कि निम्न में से किसे वर्तमान में उच्च उत्तम दुग्ध गायों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट? तो गाइस इसका ऑप्शन डी राइट है, जो कहते हैं एक वाहक गाय जो सेरोगेट मदर में उत्कृष्ट अंडोत्सर्ग कृत्रिम वीर्य सिंचन तथा भ्रूण रोपण के संयोग का, राइट? ऑप्शन इसका जो है डी राइट है। 13th पे आता है। 13th कहता है यदि रेशम कीट में जुवेनाइल हार्मोन JH ना हो तो यह क्या होगा, अन्य लार्वा अवस्था में बदल जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। 14th कहता है कि शहद है, शहद क्या है, शहद आप लोग बताओगे क्या है, राइट? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, या फिर ताजी अवस्था में अम्लीय होता है व पुरानी अवस्था में क्षारीय होता है, आप लोग मुझे इसका 14वें का कमेंट में बताएंगे आंसर, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है कि हाइब्रिड विगर बनने के लिए कायिक जनन करने वाली फसलें अधिक अनुकूल होती हैं क्योंकि, ऑप्शन इसका ए राइट है, यदि एक बार हाइब्रिड विगर बन जाए तो उसके नष्ट होने का खतरा बहुत कम होता है, ऑप्शन ए इसका राइट है। 16 पे आते। 16 कहता है कि खेसारी दाल खाने से लथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है, इस रोग के लक्षण हैं, तो कंकाल में जो, ऑप्शन डी इसका राइट है, कंकाल तंत्र में
अनियमितता होती है और असमानता तथा तंतुओं का पतलापन जाना, मतलब पड़ जाना, पतला पड़ जाना। ऑप्शन इसका डी राइट है, राइट 16 का। 17 आते, 17 कहता है कि आधुनिक कृषि उत्पादन का केंद्र बिंदु जैविक नियंत्रण है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी का खरपतवार नाशक है। तो ऑप्शन इसका बी राइट है, फेरोमोन्स है, ऑप्शन बी राइट है, राइट फेरोमोन्स। 18 पे आते, 18 कहता है निम्न में से कौन सा कीटनाशी एसिटाइल कोलिन स्टीरेज तथा प्रतिरोधक है, कोलिन स्टीरेज का प्रतिरोधक है। ऑप्शन इसका सी राइट है, मेलाथियॉन है, ऑप्शन सी। 19 पे आते, 19 कहता है वनों में वृक्ष की पत्तियां झड़ाने में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटाइल अम्ल का प्रयोग किया जाता है पत्तियों को झड़ाने में वनों की, राइट ऑप्शन नंबर सी। 20 कहता है कि एजेंट ऑरेंज क्या है, ये हाइड्रोक्सिन युक्त खरपतवार नाशक, ऑप्शन इसका बी राइट है। 21 पे 21 कहता है कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल थी, इसका आंसर आप ही बताओगे, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी। ये भी, ये दो क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन से आप मुझे कमेंट में बताओगे सर इसका आंसर ए, ऑप्शन ए मटर है, कि ऑप्शन ई रेसा फ्लैक्स है, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी जो है कपास है। ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22 कहता है किसके द्वारा पौधों की नई प्रजातियां बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, चयन और संकरण के द्वारा, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 23, 23 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक पर्यावरण में अधिक अस्थायी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, DDT होता है, जो कि बहुत ही अधिक अस्थायी होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके श्रमिक मधुमक्खी का, 24 है, श्रमिक मधुमक्खी का सामान्य जीवन काल कितना होता है। तो 90 दिन का होता है, 3 महीने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 25 कहता है मधुमक्खियों के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य है, राइट। तो इसका ऑप्शन जो सत्य है वो है डी, डी कहता है कि मधुमक्खियों में संप्रेषण की खोज कार्ल वॉन फिस्ट द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी इसका राइट है, बाकी सब रॉन्ग है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 26 पर, 26 कहता है कि फसल उगाने, सॉरी हाँ, उगाने के लिए मिट्टी की सर्वाधिक अनुकूल पीएच है। तो 6.5, मतलब 6.5 से लेके 7.5 तक का पीएच होता है, मतलब 7 जो पानी का जो रहता है, जो 7 रहता है, जो उसका पीएच 7 रहता है, उससे थोड़ा सा मतलब 5 कम और 5 ज़्यादा, मतलब 6.5 to 7.5 तक रहता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 27 पे। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यूरोपियों के आगमन से पूर्व भारत में कौन से सब्जी अनुपस्थित थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, आलू एवं मटर जो है अनुपस्थित थी। 28 कहता है निम्न में से कौन सी फसल की दुनिया में भारत, मतलब कौन सी फसल दुनिया दुनिया से भारत में लाई गई थी। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, काजू आलू और रबर लाया गया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 29, 29 निम्नलिखित में से किस एक को जैव पीड़क नाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ऑप्शन इसका जो है सी राइट है, जैंथोमोनास कॉस्पेस्ट्रियम है, राइट। ऑप्शन इसका जो है सी राइट है, तो जैंथोमोनास कैस्पेट्रिस राइट है, ऑप्शन इसका सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 पे, 30 कहता है ऊतक संवर्धन संवर्धन माध्यम से एम्ब्रायोड्स के परागण से बनने का क्या कारण है। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, कोशिकीय पूर्व सख्त होती है, राइट। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 31 पे, 31 कहता है कृषि क्षेत्र और बलुई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन से पौधे हरी खाद के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट है, क्रोटेलेरिया एवं अलहगी जो है, ऑप्शन इसका बी राइट है। 32 कहता है निम्न में से कौन विलुप्त प्राय जंतु शहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म एवं सबसे महंगी ऊन का स्रोत है। तो कश्मीरी बकरी है, ऑप्शन इसका डी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 33 पे, 33 कहता है उत्तक संवर्धन की विधि द्वारा अत्यधिक संख्या में लघु पादप प्राप्त करने की तकनीक को कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, लघु पादप संवर्धन, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 34 पे, 34 कहता है कि सन 1960 में भारत में हुई गेहूं क्रांति का संभावित मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, जो संकर बीज था, ऑप्शन ए। 35 पे आते, 35 कहता है कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है अव्यवस्थित उत्परिवर्तन है, ऑप्शन ए इसका राइट है। 36 पे आते, 36 कहता है कि वे कौन से तीन फसलें हैं जो विश्व में अनाज के उत्पादन में सर्वाधिक भाग लेती हैं।
ऑप्शन इसका ए गेहूं चावल एवं मक्का है, ऑप्शन ए इसका राइट है। 37/37 कहता है कि सर्वाधिक महंगी ऊन देने वाली पश्मीना किसकी प्रजाति है, तो बकरी की प्रजाति है, ऑप्शन ए इसका राइट है। राइट 38/38 कहता है विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए ऊतक संवर्धन की सर्वोत्तम विधि है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, एधा संवर्धन। राइट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39/39 कहता है कि एकल संवर्धन मोनोकल्चर में विकसित फसलें होती हैं, तो कैसी होती है, कीट हमले हेतु बेहद दुर्बल होती हैं, ऑप्शन सी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एक क्षेत्र में किसान दाल की फसल में पत्तियों के समय से पहले पीली पड़ने की समस्या से ग्रस्त है, बीजों की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए कौन सा उपचार सबसे उपयुक्त रहेगा, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, हरित लवक का उत्पादन बढ़ाने के लिए लोहे व मैग्नीशियम से उपचारित करना, ऑप्शन सी इसका राइट है। 40 पे आते हैं, 40 कहता है 41 पे, 41 कहता है कि प्रथम मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकेल्स हैं, इनमें इसे प्राप्त किया गया था, तो गेहूं और राई से प्राप्त किया गया था, ऑप्शन इसका डी राइट है। फिर उसके बाद 42 पे आते हैं, 42 कहता है निम्नलिखित में से किसकी गतिविधियों से चाय की पत्तियों में विशेष सुगंध पैदा की जाती है, तो जीवाणु रहता है राइट, बैक्टीरिया रहता है, उससे हम लोग सुगंध पैदा करते हैं राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 43 पे, 43 कहता है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर के संवर्धन के लिए कौन सा माध्यम सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, पका केला। 44 पे आते हैं, 44 कहता है किससे टमाटर के अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ऑप्शन इसका ए राइट है, जो कहता है कि पौधों का उपचार जिबरेलिन तथा और ऑक्सीन के की लघु सांद्रता से करके राइट, ऑप्शन इसका ए राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 45 पे, 45 कहता है कि मेंढकाऊ बकरी का रोग वाहक रोग जनक है, तो ऑप्शन इसका ए है, प्रियॉन्स होता है, और प्रियॉन्स केवल प्रोटीन होता है, और जो जो अपना फिर उसके बाद आते हैं आपका वायरस आते हैं, वायरस में प्रोटीन भी रहता है और आपका बीच में आरएनए भी रहता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बारी, प्रियॉन्स ये मान लो ये आपका एक वायरस है राइट, ये वायरस की प्रोटीन है और वायरस के अंदर ये है राइट, ये क्या है आरएनए है राइट, ये आरएनए है ठीक है, वायरस में आरएनए डीएनए दोनों कभी नहीं हो सकते, या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है दोनों में से, और ये प्रोटीन है इसको वायरस बोल सकते हैं, और एक होता है वायरॉइड, जैसे आपने ये क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें दिया गया है, तो वायरॉइड में क्या होता है, वायरॉइड में केवल आरएनए होता है, ऐसे ये आरएनए बस होता है उसको वायरॉइड, इससे वो बीमारी फैलाता है राइट सॉरी। और इसके बाद जो प्रियॉन्स होते हैं, प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन होता है, वो उससे जो है बीमारी फैलाते हैं राइट, तो ये आप लोग एक बार याद कर लेना क्योंकि ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, बहुत ईजी रहता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 कहते हैं मक्का में संकर ओज का समुपयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, तो ऑप्शन इसका बी कहता है कि अंतः प्रजनन किए गए दो जनक वंश क्रमों में प्रसंकरण प्रसंकरण करके, ऑप्शन इसका जो है बी राइट है। तो कहीं से बात क्वेश्चन नंबर 47 में, 47 कहता है भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बायो डीजल के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है, तो यूफोर्बिया का किया जा रहा है, ऑप्शन इसका ए राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 48 पे, 48 कहता है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही जीवधारी भारत के विदेशागत स्पीसीज हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जल कुमुदिनी ठीक है, और उसका सेकेंड है प्रोजोपिस और प्रोजोपिस सिनेरिया है राइट, ऑप्शन इसका सी राइट है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 49 पे, 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, तो ये जो घोड़ा जोड़ा है राइट, ये पायला ग्लोबोसा है ये गलत मिलाया गया, जो मोती है ये गलत वाला है, बाकी जो एपिस इंडिका शहद ये राइट है, फिर टेकार्डिया जो है टेकार्डिया लाका लाख ये भी राइट है, फिर बॉम्बिक्स मोराई जो रेशम है ये भी राइट है राइट, और जो इसमें ऑप्शन ए वाला है ये रॉन्ग मिलाया गया, जो पायला ग्लोबोसा मोती है ये गलत मिलाया गया, बाकी सारे एपिस इंडिका टेकॉर्डिका जो लाका है और बॉम्बिक्स मोराई है ये सारे सब सही मिलाए गए हैं, बाकी ऑप्शन ए वाला जो है वो रॉन्ग है राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 50 पे, 50 कहता है कि सांड की तुलना में बैल अधिक सीधा साधा विनम्र इसलिए होता है क्योंकि बैल के भीतर क्या होता है, रक्त टेस्टोस्टेरोन के स्तर निम्न होते हैं, जबकि बैल में जो है निम्न रहते हैं और जो सांड रहता है उसमें टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है काफ़ी हाई होता है, मतलब
ज़्यादा होता है बैल से, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा मुर्गियों का एक विषाणु होता है, राइट। ऑप्शन इसका जो सी राइट है, न्यू कैसल रोग, ऑप्शन सी। गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 कहता है नीचे दिए जा रहे चार उपायों ए डी पर विचार कीजिए जो एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ जीवाणविक शीणता रोग बहुत आम तौर से होता पाया जाता है। काबुली चने को सफलतापूर्वक उगाने के लिए निम्नलिखित मतलब उगाने के लिए किए जा रहे हैं, मतलब क्या किए जा रहे हैं, ऑप्शन में देखते हैं हम। तो गाइस वहाँ पे क्या किए जा सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे बोर्डो मिश्रण का छिड़काव, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ पे बोर्डो मिश्रण का छिड़काव दिया है। बी दिया है उस रोग के रोगजनक के कीट वाहक का नियंत्रण। सी दिया है केवल रोग मुक्त बीजों का उपयोग। डी दिया है रोगों मतलब रोग के लिए प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग। तो ऑप्शन इसका सी और डी जो है राइट है, बाकी ए और जो बी है वो रॉन्ग है, राइट। तो सी आपका जो ए गलत है, वही क्या हो रहा है। बी इसका जो है वो भी गलत है, और सी इसका केवल रोग मुक्त बीजों का उपयोग ये राइट है, और डी भी जो है राइट है, रोग के लिए प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग, राइट। तो इसका ऑप्शन जो सी राइट है, जो उसमें सी और डी बस राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 53 पे। 53 कहता है एक लोकप्रिय कवकनाशी के रूप में बोर्डो मिक्सचर की खोज के साथ किसका संबंध रहा। तो अंगूर की मृदुरोमिल जो आसिता है उसका संबंध रहा था, ऑप्शन बी इसका राइट है, राइट। गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 कहता है कि चावल की जीवाणविक पर्णशीलता किसकी स्पीसीज से पैदा होती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, जो कहता है कि जेंथोमोनास, ऑप्शन ए इसका राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 कहता है कि पौधों में निमेटोडो से होने वाले रोगों का जैविक नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारगर सिद्ध हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, ग्लायोक्लैडियम वारेंस, इसका ऑप्शन जो सी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 56 में। 56 कहता है कुछ मरुस्थलीय प्राणियों जैसे कंगारू रैट के विषय में निम्नलिखित चार कथन दिए गए हैं, एक से चार पर विचार कीजिए। तो इसमें चारों कथन मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन जो यहाँ पे पहला देता है उसका रंग गहरा काला होता है और तथा वे ठोस मूत्र को उत्सर्जन करते हैं यहाँ पे ये। और सेकंड कहता है कि वे पानी नहीं पीते हैं, धीमी गति से सांस लेते हैं ताकि जल का संचरण हो सके, और उनका शरीर मोटे मोटे बालों से ढका होता है ये भी। और थर्ड कहता है कि वे शुष्क बीज खाते हैं और उन्हें पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे फोर्थ कहता है वे बहुत सांद्रित मूत्र का त्याग करते हैं और वे अपने देह के तापमान को नियंत्रित करने में पानी का उपयोग नहीं करते हैं। तो गाइज इसका ऑप्शन थर्ड और फोर्थ जो है राइट है, राइट। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जो पहला दूसरा ये रॉन्ग है, जो कहता है उनका रंग गहरा काला होता है, वे ठोस मूत्र को उत्सर्जित करते हैं, ये गलत है। दूसरा कहता है कि वे पानी नहीं पीते हैं, धीमी गति से सांस लेते हैं ताकि जल का संचरण हो सके, और उनका शरीर मोटे मोटे बालों से ढका होता है, ये गलत है, राइट। सी जो थर्ड इसका वो राइट है, वे शुष्क बीज खाते हैं और उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, होती है बट बहुत कम होती है। और यहाँ पे फोर्थ कहते हैं वे बहुत सांद्रित मूत्र का त्याग करते हैं और वे अपने देह के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग नहीं करते, ऑप्शन इसका फोर्थ राइट है, थर्ड और फोर्थ राइट है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जो उसका ऑप्शन है वो ए राइट है, थर्ड और फोर्थ राइट, सॉरी। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 57। 57 कहता है कि सोमा क्लोन किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो ऊतक संवर्धन है उससे प्राप्त किए जाते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 58 पे। 58 कहता है कि ऐसी फसलें के प्रजनन को जिनमें खनिज विटामिन तथा प्रोटीन के स्तर ऊंचे हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें जैव प्रबलीकरण कहते हैं, राइट। उन्हें ऑप्शन बी इसका राइट है, जैव प्रबलीकरण। अब आते क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 कहता है कि जैविक कृषि में निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग सबसे मतलब उपयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, घोंघा का उपयोग नहीं किया जाता जैविक कृषि में, राइट। बाकी सबका किया जाता है, केचुआ का तो बेहतर अब तो किया जाने लगा काफ़ी हद तक। अब आते क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 कहता है कि पारजीनी बासमती चावल की एक उन्नत किस्म है, किस्म जो किस्म वह है वह कौन सी किस्म है। तो जिसका भारी मात्रा में उत्पादन होता है एवं जिसमें भरपूर विटामिन ए होता है, राइट। ऑप्शन इसका जो है बी राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 61 पे। 61 कहता है कि गेहूं का काला कीट रोग किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन इसका डी है, पक्सीनिया
ग्रैमिनिस के द्वारा होता है, ऑप्शन डी। अब आते क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 कहता है भारतवर्ष में हरित क्रांति हेतु विकसित जया तथा रत्ना किसकी किसकी किस्म है? तो चावल की किस्म है जया तथा रत्ना, ऑप्शन इसका बी राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 कहता है कि कीट रोग जनकों के विरुद्ध रोग रोधन के लिए संकरण तथा चयन द्वारा विकसित हिमगिरी किसकी एक किस्म है? तो गाइस इसका ऑप्शन जो है डी राइट है, गेहूं होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 कहता है कि पौधों में आरएनए इंटरफेरॉन्स प्रक्रिया का उपयोग किसके विरुद्ध प्रतिरोध विकास के लिए किया गया है? ऑप्शन इसका ए राइट है, सूत्रकृमियों के, राइट, ऑप्शन ए इसका राइट है। 65 पे आते। 65 कहता है सूक्ष्म प्रचारण के लिए वायरस रहित पौधे बनाने के लिए कौन सा भाग सबसे उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कहता है मेरिस्टेम विभाज्योतक, ऑप्शन सी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 कहता है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, राइट। तो जो मिलान है वो गलत, वो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो गाइज यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो राइट है, वो कहता है कायिक संकरण दो विविध कोशिकाओं का संयलन है, ये राइट है। जो ऑप्शन बी है वो रॉन्ग है, वो कहता है वैक्टर डीएनए टीआरएनए का संश्लेषण स्थल है, ये गलत है, राइट। यहाँ पे जो सी है वो भी राइट है, वो कहता है सूक्ष्म प्रचारण पौधों का काफी संख्या में इन विट्रो उत्पादन, ऑप्शन इसका सी भी राइट है। ऑप्शन डी कहता है कि कैलस टिश्यू कल्चर में उत्पादित कोशिकाओं की अव्यवस्थित मात्रा, ये भी राइट है। तो जो इसका ऑप्शन वो बी वाला है वो रॉन्ग है, राइट। मतलब यही जो है गलत पूछा गया है, तो ये इसका यही है। अब जो सारे हैं वो राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन में 67। 67 कहता है भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी भारत के जो हरित क्रांति थी। अब आते क्वेश्चन नंबर 68। 68 कहता है कि निम्नलिखित चार कथन ए डी पर विचार कीजिए और केवल सही कथन वाला विकल्प चुनिए, राइट। तो यहाँ पे मैं ये सारे ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया गया है कि एक कोशिकी स्पायरुलाना प्रोटीन खनिजों विटामिन आदि से भरपूर भोजन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, तो ये ऑप्शन राइट है। दूसरा कहते हैं कि देह भार की दृष्टि से सूक्ष्म जीव मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस प्रतिदिन उससे कई गुना ज़्यादा प्रोटीन बना सकता है जितना गाय गाय बना पाती है, ऑप्शन इसका बी भी राइट है, मतलब सेकेंड वाला भी राइट है। जो थर्ड कहता है कि सामान्य बटन बटन मशरूम खूमिया विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत है, ये गलत है। फोर्थ कहता है एक ऐसी चावल किस्म विकसित की गई है जिसमें कैल्शियम बहुत होता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है ये राइट है, राइट। यहाँ पे पहला कथन और दूसरा कथन जो है सही है, ऑप्शन डी इसका राइट है। फिर आते 69। 69 कहता है कि पादप प्रजनन प्रोग्रामों में किस फसल के सभी जीनों के विविध एलीलों के सकल और संग्रहण पौधों बीजों को कहते हैं? तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी राइट है, जो कि जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म प्लाज्म संग्रहण, ऑप्शन इसका सी राइट है। 70 कहता है कि पशुपालन में बहि प्रजनन एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है क्योंकि क्योंकि अंतः प्रजनन के अवसाद को दूर करने में उपयोगी है, ऑप्शन इसका बी राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 कहते हैं मृदा संरचना और उर्वरकता में सुधार लाने के लिए फसलों को फलीदार पौधे लेग्यूम या घास चारगाह के साथ बदल कर लगाने को क्या कहा जाता है? तो उसे ले खेती कहा जाता है, ऑप्शन इसका ए राइट है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 72 गाइस। 72 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृषि भूमि पारितंत्र का अभिलाक्षणिक मतलब अभिलक्षण है? तो ऑप्शन इसका जो है बी राइट है, न्यूनतम अनुवांशिक विविधता, राइट। सॉरी, तो इसका ऑप्शन जो है बी राइट है, राइट। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं और उन दो क्वेश्चंस का आपको आंसर मुझे आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। और गाइज सीरियसली अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को मतलब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मतलब अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह की जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ अगर वो आ गई तो आप लोग उसे देख पाओगे, राइट। और लाइक तो कर देना यार, एक लाइक तो बनता है, राइट। तो गाइज ओवरऑल अगर वीडियो अच्छी लगे